Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from M.N. Education Academy of Literature and today we are going to cover an important poetry of a prominent writer Emily Dickinson because I could not stop for day. तो दिस वीडियो विल बी इन थ्री पार्ट्स इन दिस पार्ट वी विल गो फॉर द इंट्रोडक्शन इन सेकेंड पार्ट वी विल गो फॉर द लाइन बाय लाइन इंटरप्रटेशन और थर्ड पार्ट में हम करेंगे कवर इससे रिलेटेड कुछ पोएटिक मीटर्स रिदम्स एंड पोटिक डिवाइस एज वेल जैसे कि आपके एग्जाम में ये पोएट्री या उन पोट्रिक डिवाइसिस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप अटैम्प्ट कर पाएँ नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है आप जानते हैं थोड़ा सा ऑथर के बारे में आ, एमिली डिकेंसन इसकी ऑथर हैं और वो काफ़ी अनरेकोगनाइज रही थी एक्चुअली अपने लाइफ टाइम में दैट इज़ एन आयरनी और उनका मेजर वर्क उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुआ था शी डाइड ऑन मे फिफ्टीन एटीन एटी सिक्स एट दी एज ऑफ फिफ्टी फाइव ऑनली शी वॉज एन अमेरिकन पोएट इनका बहुत ही कम वर्क था जो इनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुआ अगर कुछ हुआ भी तो वो उस टाइम के स्टैंडर्ड सोसाइटी के हिसाब से कट एडिट कर दिया जाता था अनफॉर्चुनेटली मच ऑफ़ पावर ऑफ अनयल यूज ऑफ स्टाइल ऑफ़ लॉस्ट इन दीज एडिटिंग एंड ऑल्टरेश और इनकी डेथ के बाद इसकी सिस्टर लविनिया नाम था उनका इनकी सिस्टर लविनिया ने डिस्कवर की हंड्रेड्स ऑफ पोइट्रीज रिटन बाय हर जो उन्होंने क्राफ्ट की थी ओवर द ईयर्स और फिर फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश करवाया गया एटीन में एंड अ फुल कंपाइलेशन द पोम्स ऑफ एमिली डिकेंसन डिक वॉज In 1955. तो जानते हैं इस पोएट्री के बारे में बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ये भी पब्लिश हुई थी एटीन नाइन्टी की उसी फर्स्ट सीरीज में जो उनकी सिस्टर ने पब्लिश कराया था एंड एज अ रीडर वी डू नॉट इवन नो कि दिस वॉज कंप्लीटेड और अब सिस्टर जस्ट फाउंड द पेजेज Uh, from the left out work of her sister or even she did not know ki kaunsa work complete hai kaunsa nahi hai still iski publication hui hai aur iska ek bahut acha meaning aur bahut acha theme hai is poetry ka jo ki nikal kar samne aata hai which we will understand today तो ये poetry basically दिखाती है inevitability of death and the uncertainties that surround what happens when people die तो डेथ को तो टाला नहीं जा सकता दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्ट जो कि हम शायद अपने लाइफ टाइम में भूल जाते हैं और डेथ के बाद क्या होता है वो बिल्कुल अनसर्टेन है आज तक शायद कोई भी क्लियरली नहीं बता पाया कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ कहाँ जाते हैं हम हेवन में हेल में और कंप्लीटली डिमिनिश हो जाती है हमारी बॉडी हमारी सोल नो बड़ी नोज अबाउट दैट तो इस पोर्ट्री में दिखाया गया कि एक फीमेल है और जो कि डेथ के साथ एक राइड ले रही है इस तरीके से वी केंस ये कि डेथ को प्रोसोनीफाई किया गया है तो प्रोसोनीफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का भी यूज़ है इसमें और उसके कैरेज में शी इज़ हेडिंग टूवर्ड्स हर प्लेस इन दी आफ्टर लाइफ तो जो भी कैरेक्टर जो भी स्पीकर यूज़ किया है एमिली डिकेंसन ने उसको दिखाया गया है कि दैट स्पीकर इज़ डेड एंड एट प्रेजेंट शी इज़ टेकिंग अ राइड विद

हमारी लाइफ देखिए कैसे चलती है कि हम दिन रात काम करते हैं किसी को ये काम है किसी को वो काम है अगर आपको बोला जाए कि सोकर उठिए और कुछ भी काम मत करिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हर एक के दिमाग में किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई काम चल ही रहा है तो फर्स्ट लाइन्स को इसी तरीके से यूज़ किया गया हमारी लाइफ की बिजीनेस को दिखाने के लिए कि नो बड़ी स्टॉप्स फॉर डेथ नो बड़ी एवर थिंक्स कि आज सब काम ख़त्म कर लेता हूँ या कर लेती हूँ क्या पता कल ना रहूँ ऐसा कोई भी सोच कर काम नहीं करता हम तो uh, दस साल बाद के बीस साल बाद के प्लान्स बनाते रहते हैं अपनी लाइफ के लिए तो वी एक्चुअली नेवर स्टॉप फॉर डेथ वी एक्चुअली नेवर इवन थिंक अबाउट डेथ कि कभी हमारी डेथ भी होगी बेसिकली दिस पोइट्री हेज द थीम ऑफ डेथ specifically an encounter a meeting with death the character death who is a male and who drives a carriage and who drives the dead person towards the graveyard please do watch the second part of this in which we will go for line by line explanation of the poetry